आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रांत हैं, सूबे यानी स्टेट, और हर प्रांत की भाषा भी बिल्कुल अलग अलग है और खास तौर पे बोलने का अंदाज तो बिल्कुल ही अलग है, यानी डिक्शन, जिसे कहते हैं उर्दू में लहजा। और इन सब में माहिर हैं मेरी खोज, मेरी डिस्कवरी, द ग्रेट जॉनी लिवर। तो आइए एक बहुत पुरानी याद ताजा करते हैं 1981 की। अब जाके तू क्रिकेट खेल। अरे नहीं नहीं, नहीं जाने के लिए नहीं, मतलब ये कि लफ्जों की क्रिकेट खेल। हाँ, क्रिकेट पे एक बात मुझे याद आ रही है, छोटा सा आइटम है मैं पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट खेला गया था बीच में बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में, तो बहुत सारे लोग क्रिकेट देखने के लिए गए थे, क्योंकि कहीं सालों बाद, कई वर्षों बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मामला हो रहा है, ये मैच खेला जा रहा है, तो बहुत सारे लोग क्रिकेट देखने के लिए गए थे। हमारा एक मद्रासी भाई, बिल्कुल अलग कैरेक्टर, बम्बई में नया नया आया हुआ था, वो साहब भी चले गए, उनको कुछ गलत फहमी हो गई थी, वो साहब भी चले गए क्रिकेट देखने के लिए। अब उनको ये नहीं मालूम कि क्रिकेट होता क्या है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलत फहमी, उनको ये बिल्कुल नहीं मालूम कि क्रिकेट होता क्या है। चले गए टिकट वगैरह निकाल करके और स्टेडियम में जाकर बैठ गए, और अब कुछ देर देखें खेल शुरू हो चुका था, पर उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा। और देर देखने के बाद उनको बोरियत महसूस हुई और स्टेडियम छोड़कर बाहर आए और बड़े गुस्से में वहां से जा रहे थे। रास्ते में कोई दोस्त उनको उनसे टकरा गया। दोस्त ने कहा, भाई अरे क्या बात है अन्ना जी, बहुत गुस्से में जा रहे हो, बात क्या है? अब अन्ना जी ने गुस्से में इतने अच्छे खेल की जो सत्यानाश की है वो आप देखें। गुस्सा मेरा तो थोड़ा गुस्सा नहीं, लिमिट का बाहर गुस्सा। अरे भाई हुआ क्या, वन के क्या उधर वन कर स्टूडियो में? ओहो स्टूडियो नहीं, स्टेडियम वाइडा स्टेडियम, उधर हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ गड़बड़ बोल के मई गया। अरे यार तुम यार क्रिकेट देखने गए थे, क्रिकेट का नाम लेने के नहीं, क्रिकेट का नाम लेने के। अरे यार तुमने वहां देखा क्या, देखने के क्या, इतना बड़ा मैदान में देखने के क्या मालूम, यह बहुत बड़ा मैदान, पूरा राउंड में पब्लिक, आदमी लोग, औरत लोग, बच्चे लोग, अयो ये क्या कड़कड़ कड़कड़ करता, मेरे को बहुत गुस्सा आया। यार तुमने वहां देखा क्या, देखने के क्या, इतना बड़ा मैदान में अगर देखने के क्या मालूम, ये बाजू तीन लकड़ी, वो बाजू तीन लकड़ी, या तीन लकड़ी छह लकड़ी देखने के वास्ते इतना पब्लिक जाता है, मेरा घर को आके देखो कितना लकड़ी है। बोले फिर क्या हुआ? फिर वो माइक में कुछ बोला तो पब्लिक सब बोला आया आया आया। मैं बोला कौन रे वो आया? देखता तो वही बिल्डिंग में से, छोटा बिल्डिंग में से दो डॉक्टर आए। वो दोनों डॉक्टर आया, लकड़ी का बाजू में घुमा, इधर उधर देखा, एक डॉक्टर किसे में से पैसा निकाला ऊपर फेंका, दूसरा डॉक्टर पक्का शाना चोर, और पैसा नीचे गिरते उठा के किसी में रख लिया। साला पक्का शाना चोर, कोई कुछ बोला नहीं, मैं देखा क्या करेगा। फिर कुछ देर के बाद में फिर माइक में कुछ बोला, पब्लिक बोला आया आया। मैं बोला अभी कौन रहे वो आया? देखा तो वही बिल्डिंग में से 10-12 वार्ड बॉय कंपाउंडर लोग आया। ये वार्ड बॉय कंपाउंडर डॉक्टर को देखने के लिए 150 रुपये, हम म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में रोज देखता। फिर क्या हुआ? फिर तीसरा बार कुछ बोला माइक में, फिर चौकरी लोग उठ के बोलता अयो आया आया। मैं सोचा अमिताभ बच्चन आया होंगे करके, देखता तो वही बिल्डिंग में से दो पेशेंट आया। वो दोनों पेशेंट का दोनों पांव फ्रैक्चर, वो दोनों पांव में प्लास्टर बांध के हाथ में डंडा लेके बैलेंस में चल के आता। अभी मैं समझ गया इधर क्रिकेट क्रिकेट कुछ नहीं, ऑपरेशन होने वाला है। तो
देखा आपने, हम आपको ऐसे भी एंटरटेन करते रहेंगे। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।